राजनेता, पत्रकार और अन्य लोगों की फोन टैपिंग और जासूसी के मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाने और गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अब संसद के बाहर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस देश के अलग अलग राज्यों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके देश में चुनी हुई सरकारों को घिराने का आरोप लगाया है और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। जी प्रीत, विस्तार से जानकारी दें इस खबर पर। जी बिल्कुल, पेगासस जासूसी से जुड़ी जो मीडिया रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि कर्नाटक और में जो सरकार गिरी, जो कि जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, फोन हैकिंग से कहीं ना कहीं ये संबंधित है और सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। हालांकि संसद में भी इस मामले को उठाया कांग्रेस की ओर से, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल, सभी दलों ने एक सुर में ये मांग की कि जेसीपी जांच होनी चाहिए ताकि इसमें निकल कर के आए कि क्या कुछ है और जो इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस है इसको किसने खरीदा है, क्या सरकार ने खरीदा है या फिर किसी थर्ड पार्टी ने खरीदा है, और अगर किसी थर्ड पार्टी ने खरीदा है तो सरकार को इसकी भी जांच करानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मांग लगातार उठ रही है इसको लेके कांग्रेस पार्टी ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि 22 जुलाई को देश भर में जितने राजभवन है वहां पर विरोध मार्च निकाला जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ओर से, प्रदेश कार्यालयों में। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच इस मुद्दे को उठाने की जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाई गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इस बात का ऐलान किया। टीएमसी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक इसकी जांच नहीं कराई जाएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री जो है उसकी जांच हो, तो कहीं ना कहीं ये निकल के आएगा कि क्या कुछ है। और अगर ऐसा नहीं कराया जाता, 300 लोगों के जो फोन हैक हुए हैं इसकी जांच नहीं होती, तो संसद चलने नहीं दिया जाएगा। विपक्ष की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, और ये जो हंगामा है दोनों ही सदनों में, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में देखने को मिला। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।